हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। फ्रेंड्स, आज हम श्री दुर्गा जी के एक और पावरफुल मंत्र के बारे में बात करेंगे जो हमारे शत्रुओं से बचाता है और दूर रखता है। फ्रेंड्स, शत्रु तो सबके जीवन में होते हैं। जैसे जैसे आप सक्सेस होते हो वैसे वैसे आपके शत्रु भी बढ़ते जाते हैं। और एक और शत्रु है हमारे जीवन में, वो हम खुद है। मतलब हमारा घमंड, हमारी ईर्ष्या, हमारा अभिमान, हमारा क्रोध, ये सब भी तो हमारे शत्रु ही है। तो फ्रेंड्स, श्री बगलामुखी मंत्र हमें अपने शत्रुओं से दूर रखता है, बचाता है, आपको प्रोटेक्ट करता है शत्रुओं से। तो फ्रेंड्स, यह पावरफुल मंत्र है, यह बगलामुखी मंत्र है, आपको सिर्फ शत्रु को विनाश करने के लिए नहीं, आपको अपने आप को बचाने के लिए भी ये मंत्र बोलना है। मतलब आप बोलेंगे मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना कवच बनाना है तो भी आपको इस मंत्र को बोलना चाहिए। तो वह मंत्र मैं आपको बोलने जा रही हूँ। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशय हलरीम ओम स्वाहा। मैं एक बार बोलती हूँ। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय हलरीम ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी देवी के 10 महाविद्या स्वरूप में से एक है। इन्हें पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये स्वयं पीली आभासी युक्त है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। आप पूजा में पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई चढ़ाए और माँ बगलामुखी का मंत्र कहे। यह मंत्र माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है। इस बगलामुखी मंत्र का जाप आपको हल्दी की माला से करना होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप इस बगलामुखी मंत्र का रोज जाप कीजिए और अपने शत्रुओं को अपने से दूर रखिए, अपने लिए सुरक्षा कवच बनाइए। जय माँ बगलामुखी।